हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं परमाणु संख्या, Z से दर्शाएंगे परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं। होती क्या है, तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। आवर्त सारणी के अंदर तत्व है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब उदासीन परमाणु से मतलब यह है कि उस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस पर मौजूद नहीं है। उस स्थिति में परमाणु क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कितने परमाणु में, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो या फिर परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी परमाणु संख्या जेड इज इक्वल टू परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या किसके बराबर होगी, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या Z बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉनों के कारण धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेश होता है। उदासीन परमाणु में धनावेश और ऋणावेश आपस में बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। तो परमाणु संख्या हो जाएगी जेड। परमाणु पर धनावेश किस कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण, और परमाणु पर ऋणावेश किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हैं संख्या में तो परमाणु उदासीन होगा, यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो परमाणु पर धनावेश होगा, और प्रोटॉन कम है तो परमाणु पर ऋणावेश स्थित होगा। तो ये तो बात हुई परमाणु संख्या की। अब परमाणु संख्या को परमाणु के साथ में आधार में बाई ओर रखते हैं। जैसे ये कोई एटम है अपने पास किसी तत्व का ए, तो अपन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को आधार में बाईं ओर नीचे रखते हैं। जैसे सोडियम है Na 11, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। तो आधार में बाईं ओर नीचे जो संख्या लिखी हुई होती है वो परमाणु संख्या या Z या प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या
केवल तभी काउंट करेंगे जब परमाणु उदासीन होगा तभी, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों को काउंट नहीं करेंगे। यानी परमाणु पर प्लस माइनस उपस्थित नहीं है तो वो परमाणु उदासीन होगा, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होगी। अब देखो, अपन देखते हैं द्रव्यमान संख्या मास नंबर, या इसको दर्शाते हैं अपन कैपिटल ए से। द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग द्रव्यमान संख्या या मास नंबर ए कहलाती है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है, और प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन्स की संख्या कहलाती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पी प्लस एन बराबर संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या ए प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल द्रव्यमान संख्या होती है, बराबर हो जाएगा पी प्लस एन बराबर न्यूक्लियॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब देखो अपने पास, और द्रव्यमान संख्या को परमाणु के प्रतीक पर बाईं ओर ऊपर लिखते हैं, यानी जैसे ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को तो नीचे लिखेंगे आधार में बाईं ओर, और द्रव्यमान संख्या को ऊपर बाईं ओर लिखेंगे। यह है ए और यह है क्या जेड। ऐसे ही सोडियम Na 1123, तो 23 तो इसका A है, 11 इसका Z है, यानी ये तो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, या इसको क्या कहते हैं P प्लस N का टोटल, ये हो जाएगी Z या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी इसी को कहते हैं। तो ये हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाली और नीचे वाली आधार में जो रखी होगी बाईं ओर, वो हो जाएगी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो ये तो बात हुई परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। अपने पास सवाल है BR 3580 में प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है।
तो ये उदासीन परमाणु है। पहली बात तो ये देखना है कि इस पर प्लस माइनस कहीं नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो परमाणु संख्या है यानी ए बराबर किसके है, सॉरी जेड, जेड बराबर परमाणु संख्या बराबर 35 बराबर प्रोटोनों की संख्या और बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह सब आपस में बराबर है क्योंकि ये उदासीन परमाणु है, इस पर प्लस माइनस नहीं है। तो Z यह है, परमाणु संख्या भी यह है, 35 भी यही है, प्रोटोनों की संख्या भी 35 ही है और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, इतने। तो प्रोटोन हो जाएंगे 35 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 35। अब बच गए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या दे रखी है 80, यानी A बराबर होता है, A बराबर दे रखा है 80। चूंकि A बराबर होता है P प्लस N, P कितने हैं 35, A कितना है 80, A बराबर 80, ये रहा द्रव्यमान संख्या, 80 बराबर P कितने हैं 35 प्लस N, N को इस 35 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 35, 35 बराबर N और N बराबर कितना 35 में से 80, 80 में से 35 घटाओगे तो कितने बचे 45, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 45। ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपने पास है मान लो दूसरा सवाल, एक तत्व में, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 16 एवं न्यूट्रॉन 16 है, तो तत्व का प्रतीक ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रोटोनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है, 16 नंबर पे कौन आता है, प्रोटोनों की संख्या ही परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटोनों की संख्या 16 है तो 16 नंबर पे कौन आता है सल्फर, इसका मतलब परमाणु क्रमांक तो हो गया 16। अब वो कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटोन, प्रोटोनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या, तो 16 और 16 32। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, देखो पॉजिटिव तो है 16, यानी प्रोटोनों पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, तो प्लस के 16 माइनस के 18 कितने बचे, माइनस के 2 कटने के बाद, तो जितना माइनस का बचता है उतना माइनस लगा दो, ये हो जाएगा एग्जैक्ट। अब देखो यदि आपको ये दे दिया जाए और इसमें कहे कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो प्रोटॉनों की संख्या ये रही, न्यूट्रॉनों की संख्या तो प्रोटॉन घटा दो द्रव्यमान संख्या में से, इसमें से ये घटाओगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन भी 16, इसमें से ये घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, ये जो संख्या है इसमें जितना चार्ज माइनस लग रहा है उतना प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास आ जाएगी 16, माइनस लग रहा है ऊपर तो प्लस कर देना तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18। यानी प्रोटोनों की संख्या तो है 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 हो तो प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे, कोई आवेश नहीं बचेगा, माइनस दो आवेश कब आएगा, जब प्रोटोनों की संख्या तो 16 हो और इलेक्ट्रॉन कितने हो दो ज़्यादा हो, तो प्लस का चार्ज तो हो जाएगा 16 और माइनस का हो जाएगा 18,
तो कितना चार्ज बच जाएगा माइनस का, दो, तो ये रहा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो इस संख्या में यानी परमाणु क्रमांक में या प्रोटोनों की संख्या में क्या कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो, अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इनके न्यूमेरिकल हल कर सकेंगे। अब आपको बताना है सोडियम 11-23 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने, Cl माइनस इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने, और थर्ड है आपको बताना है ऑक्सीजन 16-8-2 इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो बताना है आपको। ध्यान ये रखना है कि आवेश उपस्थित है तो माइनस को तो प्लस करना है और प्लस को माइनस करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकेंगे। एक सवाल और दे देता हूँ अपने, Mg+2 12-24 प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने, कैलकुलेट करके बताना।